बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए 75% आरक्षण लागू हो गया है। सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पास हुए दोनों आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने आज मंजूरी दी। पहला आरक्षण बिल सरकारी नौकरियों में 75% आरक्षण, वहीं दूसरा आरक्षण बिल नामांकन में 75% आरक्षण है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज इस पर मुहर लगाई। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसको लेकर खुशी भी जाहिर की है। दायरा बढ़ाया था तो वो महामहिम के पास स्वीकृति के लिए गया था, तो यह प्रसन्नता की बात है और सरकार को खुशी है कि राज्यपाल महोदय ने अपनी सहमति दे दी है और अब सरकार तत्काल इस संबंध में अधिसूचना जारी करके तत्काल इन कानूनों के हिसाब से आरक्षण के प्रावधानों को लागू करेगी, चाहे वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मामला हो या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मामला हो। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया जरूर थी और महामहिम ने सहमति दे दी है, शीघ्र ही दिया है, इसलिए यह प्रसन्नता की बात है और सरकार के लिए सबसे अधिक प्रसन्नता की बात जो है कि जातीय गणना जिस प्रकार से सरकार ने सफलतापूर्वक संपन्न किया और आप सब जानते हैं पूरे बिहार के लोग ही नहीं संपूर्ण देश के लोग जानते हैं कि आज तक देश में इस तरह की प्रक्रिया है, इतने विस्तृत तरीके से कभी पूरी नहीं की गई थी। जो एक आज से 90 साल से भी अधिक 1931 के जातीय गणना की बात कही जाती है उसके भी प्रतिवेदन को अगर आप देखिएगा तो उसमें भी इतने विस्तार से व्यक्तिगत या परिवार की सूचनाएं, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, एकत्रित नहीं की गई। आपको बता दें कि विधेयक को सदन से स्वीकृति मिलने के बाद नियमतः राज्यपाल के मुहर लगने के बाद ये कानून बन जाता है। दायरा बढ़ाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था, जहां इसे आज स्वीकृति मिल गई है। पटना से शशिभूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।